मित्र, स्वागत करता हूँ आपका सिद्धार्थ पाठशाला में। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे पूरा, आप देख रहे हो बहुत सारे डैम वगैरह देख रहे होंगे। देखिए कितने तेज पानी निकल रहे हैं यहाँ से। अरे भैया बह मत जाऊंगा, मैं नहीं बह जाऊंगा यार। 2014 के जैसे हम लोग पेपर सोल्व कर रहे थे आपको, अब 2014 का पेपर सोल्व करा रहा हूँ। 2014 के पेपर में कुछ अंतर नहीं है, अब वही पैटर्न चलने वाला है। 100 मैकेनिकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, हम वो जो कर रहे थे वो करते रहेंगे। पर अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ था, पेपरों में सेट आने लगे थे, मॉर्निंग सेट, इवनिंग सेट, SET-1, SET-2। तो 2014 में क्या था, सेट आ गए थे। तो अब 2014 का सेट पेपर, अब यहाँ से जितने भी होंगे, 2015-2016 में सेट नहीं आए, पर 2017 वगैरह में 7-7, 6-6, 7-7 सेट बने हुए थे 18 में। तो अब वो सेट वाइज आएंगे। तो मैं आपको अपने ड्राइव लिंक में 2017 में SET-1, SET-2, SET-3 करके सारे पेपर अपलोड करूंगा। जब आपको पढ़ाऊंगा तो सारे सेट के टर्म में पढ़ाऊंगा, SET-1, SET-2, SET-3। ओके दोस्तों, तो आपको एंजॉय करते रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 2014 के दो बार पेपर कैसे बने, क्योंकि वो सारे सेट होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए हो। तो यही बता रहा था क्योंकि पैटर्न अभी जस्ट चेंज हुआ है ना एकदम से। अभी तक आप 2013 का पढ़ के आए होंगे, 2014 का पेपर लगाते ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पहली वीडियो बना के आप लोगों को समझा दिया। ठीक है दोस्तों, बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है सिद्धार्थ पाठशाला, आपका सिद्धार्थ दोस्त हमेशा आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन के साथ। द ट्विस्टिक मोमेंट टी डिलीवर्ड बाय अ फ्लाईव्हील विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या दिया हुआ है, हमें देखिए यहाँ पे टी की टॉर्क की इक्वेशन दी गई है। टी बराबर 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा। अब हम यहां से सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, यहां से हमें निकालना पड़ेगा टी मीन, है ना, हमें यहां से टी मीन फाइंड करना है। और हमें पता है जो हमारी जो साइन थीटा का जो कंप्लीट एक साइकिल होती है वो 0 से 2π में कंप्लीट होता है। ठीक है, अपनी वापस उसी वैल्यू पर आ जाता है ये। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले से इंटीग्रेट करेंगे। डिवाइड बाई एक कंप्लीट जो साइकिल है इसकी, उसमें एंड डी थीटा। जब आप इसको पूरा इंटीग्रेट कर लोगे, है ना, जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 14,000। अब इंटीग्रेट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे सॉल्यूशन पीडीएफ में देख लो, अब इतनी इजी चीज मैं आपको नहीं कराने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से निकला है टॉर्क मीन, निकला है 14,000। अब हमें जैसे पता है कि टॉर्क मीन जो आया है वो आया है 14,000, इसको इनिशियल टॉर्क के बराबर करा दो, 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा। अब 14,000 से 14,000 कट गया, साइन थीटा बराबर हो गया 0। तो थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो आंसर कौन से हो गए, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब इसको बिगाड़ देते हैं पूरा हम लोग। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया है यहां पर ये वाला। आगे बढ़ते हैं 102 की तरफ। द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट इज 15 N/mm². द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज डबल्ड, देन इट्स शेयरिंग स्ट्रेंथ विल बी। तो आपको पता होना चाहिए शेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो टाउ होता है वो होता है पी अपॉन शेयरिंग, रिवेट के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ पाई बाय 4d². आप डायमीटर को डबल कर दोगे तो जो ये टाउ किसके प्रोपोर्शनल है, 1/d² के। अगर ये डबल होगा तो हमारा टॉर्क कितना हो जाएगा, 4 times से कम हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब जो टाउ 2 आएगा वो टाउ 1/4 आएगा। तो नई जो शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी हो गई, है ना, नई वाली जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो हमारी हो गई 12.5 N/mm². पर इनमें से कोई भी एक आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, तो 102 का कोई आंसर इनमें से मैच नहीं करेगा। ठीक है, चारों आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर सीरीज में अगले क्वेश्चन में। फिगर शोज, देखो ये लिखा है फिगर शोज, देखो यहां लिखा है फिगर, ये लिखा है शोज आ 4-bar चेन एंड दी नंबर, है ना, नंबर ऑफ इंडिकेट्स दी रिस्पेक्टिव
लिंक लेंथ इन सेंटीमीटर, अभी लिखा है द टाइप ऑफ द मैकेनिज्म इज नोन एज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए जो रूल होता है वो होता है एस प्लस एल लेस देन इक्वल टू, अगर पी प्लस क्यू है तो ये होगा डबल क्रैंक, ठीक है, एटलीस्ट वन क्रैंक तो यहां पे लाई करने वाला है। और अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दें, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दें तो ये पक्के में डबल क्रैंक देगा। तो ये दिया है 10, है ना, यहां पर ये वैल्यू दी गई है 5, यहां पे जो वैल्यू दी है वो 7 दी है, यहां पर वैल्यू दी है 8, तो आप देख सकते हो 10 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू है 8 प्लस 7 के, है ना, ये लेस है तो यहां पर, और 5 वाली लिंक सबसे छोटी है और फिक्स है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा डबल क्रैंक, ये हो गए डबल क्रैंक। आ गया हो अ स्लाइडर स्लाइडिंग, ये लिखा है स्लाइडिंग, अ स्लाइडर स्लाइडिंग एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन अ लिंक विच इज रोटेटिंग एट 60 rpm, इसको थोड़ा छोटा करता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, 60 rpm इज सब्जेक्टेड टू कोरोलेस एक्सेलरेशन, ये लिखा है कोरोलेस एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कोरोलेस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है 2 × v × ओमेगा, 2 दिया हुआ है, वेलोसिटी दी है 10 और ओमेगा दिया है हमें 60 rpm, तो 2 × π × 60/60 कट गया 4 tan 40π, आंसर सी हो गया डायरेक्टली, आंसर 40π, ये 20π लिखा है, ये 10π लिखा है, ये 80π लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ द मैकेनिज्म इन विच द कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज टू बी कंसीडर्ड, मतलब इनमें से किस मैकेनिज्म में कोरोलिस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, फॉरवर्ड मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड बीम इंजन। तो देखो देखो, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होती है वो भी एक टाइप की फॉरवर्ड मैकेनिज्म ही होती है, पर हमें डीप में मतलब एक्यूरेट आंसर क्या होगा, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में स्लाइडर कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें एक स्लाइडर होता है। आगे बढ़ते हैं, बेवल गियर आर यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन टू शाफ्ट हूज एक्सिस आर, बेवल लिखा हुआ है, तो जो बेवल गियर्स होते हैं, पहली चीज तो ये किस टाइप के होते हैं, ये इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर होते हैं, कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग और नॉन कोप्लेनर होते हैं, है ना, तो यहां पर ऑप्शन देखो, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग दिया है, नॉन कोप्लेनर दिया है, पर यहां पे पूछा एक्सिस, उनकी एक्सिस कैसे होती है, तो यहां पर आंसर जो आया था एसएससी के थ्रू आया था परपेंडिकुलर, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बेवल गियर की स्पेशल फॉर्म का नाम होता है माइट्रे, विचार जिसमें जो एक्सिस होती है गियर्स की वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से आंसर दिया गया था 107। अ डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल इज अ सिंपल गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, कंपाउंडेड गियर ट्रेन और स्पीड रिड्यूसर। तो आपको पता होना चाहिए जो डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल होता है वो एपिसाइक्लिक टाइप होता है, तो यहां से बी आंसर हो गया। अगले बढ़ते हैं, 108। क्रीप इन बेल्ट ड्राइव यूज टू वीक मटेरियल ऑफ द बेल्ट, वीक मटेरियल ऑफ द पुली, अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द बेल्ट When it passes from tight to slack side and expansion of belt, ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दो तीन बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, क्रीप जो होता है अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन के वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 109 पे, the crankshaft turning in a general form, जो crankshaft turning in general bearing में होता है वो किस टाइप का पेयर फॉर्म करता है, तो वो एक स्लाइडिंग पेयर फॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, 110। What type of contact occur during meshing of helical gears? मतलब what type of contact occur होता है helical gear की meshing में? Helical gear में आपको पता होना चाहिए, इसमें जो meshing होती है वो होती है हमारी point type, ठीक है, point type होती है। आगे बढ़ते हैं, 111। Which one of the following drive is used for transmitting power without slip? तो बेल ड्राइव नहीं,
रोप ड्राइव नहीं, कोन ड्राइव नहीं, चेन ड्राइव। चेन ड्राइव एक ऐसी मतलब जो विदाउट स्लिप जो ड्राइव होती है उनमें से एक विदाउट स्लिप ट्रांसमिट करती है पावर। गियर भी हमारे विदाउट स्लिप ही वर्क करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर इज टू फॉर्म आ, जो कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर होता होता है वो किस टाइप का होता है? ऑप्शन दिए हैं लोअर, यहां पर दिया है हायर, यहां पर दिया है स्लाइडिंग, यहां पर दिया है रोलिंग। तो कैसा होता है? हायर पेयर होता है कैम एंड फॉलोअर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है ना, इनमें से कौन सी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है? पहला नीडल, ये कौन सी दी गई है? ये तो मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रही। यहां कॉलर बियरिंग और यहां पे दिया है हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होती है नीडल बियरिंग। नीडल बियरिंग एक टाइप की एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। 114 की तरफ बढ़ते हैं। हेलिकल गियर्स, हेलिकल गियर्स हैव देयर टीथ। अब ये पूछ रहा है कि हेलिकल गियर के टीथ कैसे होते हैं? इंक्लाइंड टू द व्हील, स्ट्रेट, कर्व्ड एंड कट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रस्टा ऑफ कोन्स। ठीक है, फ्रस्टा ऑफ कोन्स, तो इसका आंसर है कर्व्ड ओवर द व्हील रिम। ठीक है, कर्व्ड। 115, व्हेन द स्पीड ऑफ गवर्नर इंक्रीज, अगर स्पीड ऑफ गवर्नर इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा? हाइट ऑफ द गवर्नर एंड रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज, हाइट ऑफ द गवर्नर एंड रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज, हाइट ऑफ द गवर्नर डिक्रीज एंड रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज, एंड हाइट ऑफ द गवर्नर इंक्रीज बट रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज। तो इसका आंसर होगा हाइट ऑफ द गवर्नर डिक्रीज एंड रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज, अगर स्पीड को इंक्रीज किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट 30 न्यूटन रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी स्टार्ट मूविंग, देन फोर्स इज 9 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर। मतलब कह रहा है कि फ्लोर है जिस पर एक बॉडी रखी है जिस पर नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन का लग रहा है, इसको हम लोग 9 न्यूटन से अगर खींचें तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कितना लगेगा और उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए अगर हमारी सरफेस पर 9 न्यूटन फोर्स लग रहा है और हमारा फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30 न्यूटन के बराबर हो सकता है। तो अभी इस समय कितना फोर्स लगा रहा होगा? 9 न्यूटन को रोकने के लिए 9 न्यूटन लगाएगा, है ना। तो म्यू एन बराबर आ जाएगा 9, एन की वैल्यू 30 है तो म्यू बराबर आ जाएगा 9/30, यहां से आ जाएगा 3/10। ठीक है दोस्तों, बी आंसर। अ बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द बॉडी विल। तो आपको पता होना चाहिए हमारा अगर किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पे हमारा वेट रखा हुआ है और जो इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है ना, वो हॉरिजॉन्टल से कम एंगल बना रहा है एज कम्पेयर टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। आगे बढ़ते हैं। 118, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट हिट्स द फ्लोर विद अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड एंड बाउंस टू अ 1.2 मीटर डिस्टेंस, देन द कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉल। तो आपको पता होना चाहिए कॉफिशियंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन कितना है? इनिशियल जीरो था और यहाँ पे हो गया √2gh, और यहाँ पे आया कितने से था? 9 से आया था, तो 2 × 9.81 × 1.2/9, इसको सॉल्व करोगे 0.54 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते 119, फॉर अ मटेरियल विद द पॉइजन रेशियो 0.25 व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो। तो हमें पता है E बराबर क्या होता है?
2g 1 प्लस म्यू होता है। अगर e बराबर 2g है और म्यू की वैल्यू 0.25 है तो ये हो जाएगा 1.25, तो e बराबर g कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो g बाई e निकलेगा तो कितना निकलेगा 0.4 निकलेगा। ठीक है, ए आंसर डायरेक्टली होने वाला है। यहां से थोड़ा गोचपोच हो गई है तो इसको बिगाड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बिगाड़ दिया जाएगा। चलो अगेन, चलो। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी टेंड टू इलांगेट इट द स्ट्रेस प्रोड्यूस। पहले ही बता चुका हूं, एक बॉडी पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं तो उस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा होगा अगर उसे इलांगेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराने क्वेश्चन है, वही रिपीट कर रहे हैं कंटिन्यूस। आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, ये देखो थोड़े बड़े में देखो, और द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इज। वो क्या कह रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्टर जो बॉडी पे लग रही है ना, विच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स सरफेस, हमेशा कैसी होगी? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट लग रही होगी। तो पहला क्वेश्चन, इन द डायरेक्शन, गलत है। नॉर्मल टू द डायरेक्शन, गलत है। अनप्रिडिक्टेबल, गलत है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज टू बी कंसीडर्ड फॉर अ डिजाइन ऑफ अ डक्टाइल कंपोनेंट अंडर साइक्लिक लोड। तो आपको याद रखना है, वो कह रहा है कि अगर कोई कंपोनेंट डक्टाइल है और उस पर साइक्लिक लोडिंग लग रही है, मतलब कंटिन्यूस लोड लग रहा है, मतलब पहले से टेंसाइल की डायरेक्शन में खींचता है, फिर इसे दबाता है, फिर खींचता है, फिर दबाता है। ठीक है, तो इस पे जो हमारा स्ट्रेंथ होती है वो होती है एंड्योरेंस। जब आप मशीन डिजाइन पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्हें पता, एक ही लाइन में आंसर पता चलेगा। ईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इसका डायरेक्टली आंसर होने वाला है। फॉर एनी गिवन पावर एंड परमिसिबल शेयर स्ट्रेस द रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट एंड इट्स डायमीटर आर कोरिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए है ना, किस रिलेशन से कोरिलेट करते हैं? NdQ से करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो Q प्रोपोर्शनल टू होता था वो NdQ ही होता था। ठीक है दोस्तों, तो NdQ बराबर कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 124, विच लॉ ऑफ मोशन गिव द मेजर ऑफ फोर्स। कौन सा लॉ फोर्स का मेजर बताता है या फोर्स की वैल्यू बताता है? तो आपको यहां से डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जो सेकेंड लॉ होता है न्यूटन का, एफ बराबर एम ए, ये फोर्स का मेजरमेंट बताता है। तो बी आंसर यहां से डायरेक्ट हो जाएगा। 125 क्या कहता है? दी शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन इज। टॉर्जन, टॉर्जन के थ्रू आपको पता होना चाहिए, जब अगर किसी बॉडी पे टॉर्ज लग रहा है या टॉर्क लग रहा है तो उस पे जो शियर स्ट्रेस होता है वो आउटर सरफेसेस पे मैक्सिमम होता है, इंटरनल सरफेसेस पे जीरो होता है। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, यहां पर जीरो होता है और यहां पर मैक्सिमम होता है। तो उसने पूछा सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है एसएससी के, एक लाइन में एक बार में बन जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है, एवरेज बच्चा आराम से एसएससी के 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर आराम से लेकर आता है। चलिए, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, 126 आगे बढ़ते हैं। फटीक ऑफ अ कंपोनेंट इज ड्यू टू, फटीक बता रहे हैं हम लोग कंपोनेंट का, इज ड्यू टू किसके वजह से होता है? साइक्लिक लोड, स्टैटिक लोड, कांस्टेंट हीटिंग और कोलिजन के वजह से। तो फटीक जो होता है वो साइक्लिक लोड की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपनी सरल सरल क्वेश्चन है, आराम से हम लोग बनाते जाएंगे। 128, द एंगल टर्न्ड बाय व्हील व्हाइल इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड एट एन इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू में निकाल ली है, ओमेगा रेस्ट से बोला है तो ये जीरो हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे, यहां से हम निकालेंगे, आंसर आएगा हमारा 600 रेडियन। ठीक है दोस्तों, इजी एक फॉर्मूला। स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप्ड इन वार डिपेंड्स अपॉन। तो आपको पता होती है जो स्ट्रेस होती है वो होती है अल्फा डेल्टा टी ए, ये होती है हमारी स्ट्रेस ड्यू टू थर्मल या ड्यू टू टेम्परेचर। तो ये किस पर रिलेट डिपेंड कर रही है? ये कॉफिशियंट ऑफ एक्सपांसन, टेम्परेचर एंड एरिया पर डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन देखो, पहले ही ऑप्शन मैच कर गया,
थर्मल कंडक्टिविटी डेंसिटी और पॉइजन रेशियो पर ये डिपेंड नहीं करती है। 130, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड्स अपॉन, आपको हमेशा पता होना चाहिए जो स्ट्रेंथ होती है बीम की वो सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करती है, हमेशा ये सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो 130 का सी आंसर हो जाता है डायरेक्टली, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको डायरेक्टली आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 131, अ रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 20%, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सोर्स एंड टू द सिंक इन किलोवाट वुड बी रिस्पेक्टिवली। चलिए तो उसने क्या दिया, उसने W की वैल्यू दी है, एफिशिएंसी की वैल्यू दी है, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, क्यू सप्लाई निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन क्यू सप्लाई, एफिशिएंसी 0.2 इनटू क्यू सप्लाई है 100 का, डब्ल्यू निकालोगे तुम यहां से, डब्ल्यू है हमारा सॉरी 100, तो यहां से क्यू निकालोगे तो क्यू आएगा हमारा 500, क्यू अगर 500 आया और डब्ल्यू 100 है तो क्यू एस माइनस क्यू आर बराबर होता है W, तो क्यू आर हो गया हमारा 400। सी आंसर सॉरी 131 का सी आंसर यहां से डायरेक्टली हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो गो टू द माई सोल्यूशन, नीचे ड्राइव में पूरा सॉल्यूशन पड़ा है, एक बार देख लीजिए अगर आपको जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, मुझे चीजें बतानी रहती हैं, है ना। मैं आपको 2-3 घंटे में तो ये छोटा सा पेपर सोल्व कराऊंगा नहीं, है ना। हम भी कोशिश, देखो 1 घंटा हमें मिलता है इस पेपर को सोल्व कराने के लिए, मैं 1 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सोल्व करा रहा हूँ। जैसे यही एम के साथ आपको भी एसएससी जेई में पेपर को सॉल्व करना है कि मुझे 1 घंटे के अंदर पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर लगा देना है। आगे बढ़ते हैं 132 की तरफ, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मार्क्ड ऑन अ टेम्परेचर ऑफ स्केल पी। देखो दो टेम्परेचर स्केल्स हैं, एक है डिग्री पी की, एक है डिग्री सी की। तो उसने बोला है जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कब होता है 100 डिग्री सी होता है, तब इस पे दिखाता है 130, और जब यहाँ पे 0 होता है तब यहाँ दिखाता है -20 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री पर हमारा टेम्परेचर क्या होगा, तो कैसे करते, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है xs माइनस xi अपॉन एक्स सॉरी xs माइनस x, इसे बिगाड़ देता हूँ एक बार, दोबारा लिख देता हूँ, xs माइनस x अपॉन xs माइनस xi बराबर ps माइनस p अपॉन ps माइनस pi। देखो एक्सेस की वैल्यू मतलब स्टीम पर कितनी है, 100 माइनस कौन सी वैल्यू पे निकालना है 60 पे, 100 माइनस 0 बराबर करोगे आप किसके, 130 माइनस पी अपॉन 130 प्लस यहां पर हो जाएगा 20, यहां पर हो जाएगा 20। जब यहां से आप इस रिलेशन को इधर उधर मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू निकालोगे तब यहां से आपको मिलेगी पी की वैल्यू, ठीक है, यहां से आपको P की वैल्यू मिलेगी 70 डिग्री, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए, आंसर बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलता है तो एक बार आप मेरी PDF को भी नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। और PDF पर तो आप जाते रहिए, क्योंकि PDF में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं किसी भी एग्जाम के, किसी भी बड़े से बड़े टॉप एग्जाम के भी जो हुए हैं ना, आप गो टू द माई PDF और आप वहां से पेपर को कलेक्ट कर लीजिए, पेपर को आपको कंटिन्यूस PDF में मिलता रहेगा। और आपको इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अपने मेरे चैनल को करते रहिएगा, ठीक है। 133 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इन अ रिएक्शन टर्बाइन द हीट ड्रॉप इन फिक्स्ड ब्लेड इज 8 kJ/kg एंड टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज 20 kJ/kg, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन बताओ। तो जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड अपॉन हीट ड्रॉप इन स्टेज, ठीक है। तो हीट ड्रॉप जो स्टेज का होता है वो होता है हीट ड्रॉप ऑफ स्टेज बराबर हीट ड्रॉप इन मूविंग प्लस हीट ड्रॉप इन फिक्स्ड। अगर इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू निकालनी है x मान लो, इसकी वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। तो अब हमें लिखना है डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो DOR बराबर कितना हो गया 12/20, यहां से निकालोगे 66.67% हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। सॉरी 12/20 है ना, तो 4 × 12 = 3 × 5 = 20, 60 आ जाएगा, 60 बी 60% सॉरी दिमाग से निकल गया था, 12/20 मतलब 60 हो गया, 66.67 नहीं 134।
आगे बढ़ते हुए, अ क्लोज बलून कंटेनिंग 10 केजी ऑफ हीलियम रिसीव्स 5 केजी ऑफ हीट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द बलून स्लोली इंक्रीज बाई 0.2 मीटर क्यूब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 100 केपीए. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है. तो हमें क्या दिया है, उसने बोला है कि कितनी हीट रिसीव की उसने, की 5 किलो जूल पर केजी. तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करा दें तो उसने कितनी रिसीव की, 50 किलो जूल रिसीव की. ठीक है, और हमें पता है फर्स्ट लॉ से होता है डीयू प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू कैसे निकलेगा, पी वी टू माइनस वी वन. तो 100 × 0.2, तो यहां से ड्यू की वैल्यू कितनी जाएगी, 30 किलो जूल. खट से सी आंसर मार देने का. इजी है ना, बिल्कुल ऐसे इजी इजी क्वेश्चन बनाते जाना है, प्रभु का गुण गाते जाना है और पढ़ते जाना है, सिलेक्शन होना पक्का है. अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ हॉट मेटल बॉल इज क्विंच्ड इन अ लिक्विड ऑफ लो टेम्परेचर, ये लो लिखा सॉरी लो टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर विल टेक्स फ्रॉम मेटल बॉल टू लिक्विड एंड नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन. देखो ऑब्वियस बात है, जो टेम्परेचर में अगर हम मतलब हम दो अलग अलग टेम्परेचर या एक कोई ठंडा टेम्परेचर पानी है उसमें हम लोग कोई गर्म बॉल डालते हैं तो जो हीट ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, यही उसका नेचर है. तो बॉल कैसी होगी, ठंडी होती जाएगी, ना कि उल्टी डायरेक्शन में होगा. तो हीट ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो ड्यू टू द एंट्रोपी प्रिंसिपल होता है, ड्यू टू द सेकंड लॉ. तो रीजन क्या कह रहा है, हीट ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम हॉट मेटल बॉल टू द लिक्विड एट अ लोअर टेम्परेचर कंप्लाइज विद द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल. एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा, इसलिए ये इस तरीके से मतलब डीएस जहां ग्रेटर देन जीरो है वहां प्रोसेस चल रही है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चल सकती, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, तो यही इसका रीजन है. तो आंसर हो जाएगा अपना ए. आगे बढ़ते हैं, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन्ड एट 4°C बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट अ 360 किलोजूल पर मिनट. रिक्वायर्ड पावर इज 2 किलोवाट. तो सीओपी बताओ, हमें पता है सीओपी होता है क्यू अपॉन डब्ल्यू. क्यू दिया है 360 डिवाइड बाई 60, अगर इसको किलोजूल पर सेकंड में लिखोगे मिनट की जगह, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये गया 6, ये गया सीओपी आ गई 3. इजी है ना, बस यही तो बनाते जाना है. फॉर अ 4-स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज 21:1, कट ऑफ रेशियो इज 2:1. तो व्हाट इज द एक्सपांशन रेशियो. तो आपको पता होना चाहिए डीजल साइकिल में, ये देखिए ये होता है V1, ये होता है V2, ये होता है V3, ये होता है V4. तो एक्सपांशन रेशियो हमारा होता है V4/V3, कंप्रेशन रेशियो होता है हमारा V1/V2 जो दिया है 21, और हमारा V3/V2 होता है कट ऑफ रेशियो दिया है 2:1. अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करा दिया जाए, है ना, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करा दिया जाए तो B1/B3 की वैल्यू आ जाएगी 12.5, 21/2 से. ठीक है, और B1 का वॉल्यूम और V4 का वॉल्यूम, क्योंकि पीवी कर्व पे बनाए हैं तो V4 और B1 बराबर होंगे, तो B1/B3 को हम लोग B4/B3 भी लिख सकते हैं, वैल्यू हो जाएगी 12.5:1. ठीक है दोस्तों, चलिए 21/2 कितना होगा, 10.5. बी आंसर 137 का बी. ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. वैसे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप आराम से बना सकते हो इन क्वेश्चंस को. और अगर वीडियो देख लिया है, वीडियो देखने के बाद प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बिना लाइक किए मत जाया करिए, प्लीज लाइक कर दिया करिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, है ना. और हो सके तो कमेंट करके भी बताइएगा, और भी कुछ चीज अगर पढ़नी हो, कोई भी पेपर सॉल्व करवाना हो, किसी भी PSC एग्जाम का टेक्निकल का, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे चलकर आपके लिए और फैकल्टीज भी लाऊंगा और ब्रांचेस के लिए भी. ठीक है, अभी तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर को मैं खुद ही कवर कर रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं, अ गैस इन अ कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर गैस ऑफ सेम मास इन कंटेनर बी इफ द करस्पॉन्डिंग प्रोसेस एंड वॉल्यूम आर denoted by suffix a and b, then which of the following statement is true. देखो, एक गैस दूसरे के साथ
थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द सेम मास। तो हमें पता है यहाँ पे दिया है एम ए बराबर एम वी दिया है हमें, ठीक है। आप यहां से देखो आगे बोल रहा है कि द करस्पॉन्डिंग प्रोसेस एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाई सफिक्स ए एंड बी, तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है। तो हमें पता है क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी है तो टेम्परेचर भी सेम होगा, तो पी वी बराबर क्या होगा एम आर टी, टी सेम है एम सेम है तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट होगा, तो पी ए वी ए बराबर पी वी 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 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी आंसर यहां से डायरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द लिक्विड फ्लोज ओवर द लो लेवल जेड एंड प्रेशर पी वन टू अ हायर लेवल ऑफ जेड टू एट प्रेशर पी टू, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, देखो अगर जेड वन से जेड टू जा रहा है हमें बर्नौली लगानी है तो प्रेशर, देखो जेड वन लो है लो एनर्जी पॉइंट है, जेड टू हायर एनर्जी पॉइंट है, तो अगर इनको कुछ जोड़ना है तो प्रेशर पी वन अगर पी टू हो, अगर पी वन हमारा ग्रेटर देन पी टू हो जाए तो ये एनर्जी कभी इसके एनर्जी के बराबर हो सकती है, तो प्रेशर पी वन ग्रेटर देन पी टू होगा। आगे बढ़ते हैं, इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज, मतलब जब हमारा फ्यूल इंजेक्ट होता है और इग्नाइट होता है मतलब जलना चालू करता है, मतलब फ्यूल तो आया उसके बाद जलने और इग्नाइट, मतलब फ्यूल इंजेक्ट होने में और इग्नाइट होने के बीच के टाइम को क्या कहते हैं, डिले पीरियड कहते हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन लेक्चर सीरीज को सॉल्व करते रहते हैं, 141 की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट अ डेंसिटी मोर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमोसफेयर इज नोन एज, ठीक है। क्या कह रहा है, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं मतलब इनटेक कर रहे हैं सप्लाई, एयर को सप्लाई कर रहे हैं, है ना, और क्या है हमारे जो एयर आ रही है उसकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये चीज होती है सुपर चार्जिंग में। सुपर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, एयर की क्वांटिटी और डेंसिटी दोनों को इंक्रीज कर देते हैं और हायर प्रेशर पे उसे इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, पावर बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं प्रोसेस को, सुपर चार्जिंग। Which of the following expression entropy change in a isobaric heating process T1 to T2? देखो अगर heating process isobaric है तो हमारा क्या होगा, entropy का formula हमारा होगा MCP, ये IN नहीं है ये LN है, ठीक है, ये है हमारा LN, T2 by T1, ठीक है। Entropy पूछा है, अगर इससे के enthalpy होता तो इसका आंसर B हो जाता, तो अभी ए आंसर सही है, बी नहीं है। इन बी आई बी द इनलेट एब्जॉर्ब वेलोसिटी टू द ब्लेड ब्लेड बी वी बी द टेंजेंशियल ब्लेड वेलोसिटी एंड अल्फा इज द नोजल एंगल देन मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी फॉर सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन, ठीक है दोस्तों बहुत सही बोला इसने, इसने हमसे बीवी और बीआई में रिलेशन पूछा है। तो सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन के लिए फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए बीवी अपॉन बीआई का रेशियो होता है कॉस अल्फा बाय 2। 144 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द स्टीम इंजन, इनमें से स्टीम इंजन से रिलेट क्या नहीं करता, क्रैंकशाफ्ट, क्रॉस हेड, स्टीम चेस्ट और स्टीम सेपरेटर, तो स्टीम इंजन से स्टीम सेपरेटर रिलेट नहीं करता। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ डीजल इंजन एज कंपेयर टू द पेट्रोल, ठीक है। सेल्फ आपको पता होना चाहिए जो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू द पेट्रोल, तब 145 का आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, जुड़े रहना है, देखते रहना। मोर्से टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, मोर्से टेस्ट में आपको पहले भी बता चुका हूं मल्टी सिलेंडर इंजन में होता है और किस चीज के लिए होता है, इंडिकेटर इंडिकेटेड पावर को फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। तो डी आंसर यहां से डायरेक्टली होने वाला है, 146 का डी आंसर। आगे बढ़ते हैं 147, इन स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय, एसआई इंजन में जो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग है, नॉकिंग की पॉसिबिलिटी कैसे रिड्यूस हो सकती है, ठीक है।
एसआई इंजन में डिक्रीजिंग कंप्रेस इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो गलत है, डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजिंग द कूलेंट टेम्परेचर और एडवांसिंग द स्पार्क टाइपिंग। तो डिक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो से हमारी नॉकिंग एफिशिएंसी नॉकिंग हमारी कम हो सकती है। द हायर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रिजल्ट्स इन, ठीक है क्या हो रहा है, हायर कंप्रेशन रेशियो है तो रिजल्ट क्या करता है, लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेशर सेम प्रेशर एंड हायर प्रेशर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हायर कंप्रेशन रेशियो मतलब हायर प्रेशर। 149 विच सॉल्ट ऑफ कैल्सियम एंड मैग्नीशियम कॉजेस टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द बॉयलर फीड वाटर। देखो हार्डनेस होती है दो टाइप की, एक हो गई परमानेंट एक हो गई टेम्परेरी। परमानेंट में आते हैं कार्बोनेट्स क्लोराइड सल्फेट्स और हमारे टेम्परेरी में आते हैं बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो हमारा बाइकार्बोनेट यहाँ से आंसर हो गया 149 का। 150 इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम 151 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग, इनमें से कौन सा माउंटिंग है, माउंटिंग का मतलब वो होता है वो कंपोनेंट जो बॉयलर को सेफ रखते हैं या सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सेफ्टी वाल्व इकोनोमाइजर सुपर हीटर और फीड पंप। तो 159 का नाम से ही पता चल गया, देखो नाम से ही पता चल जाना चाहिए सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। 152 विच पार्ट ऑफ अ डीजल इंजन वुड नीड मॉडिफिकेशन इफ द इंजन इज टू बी मेड टू रन ऑन एलपीजी, इनमें से कौन से पार्ट को हमें बदलना पड़ेगा अगर, जैसे एलपीजी तो यहाँ गलती है, यहाँ पे सीएनजी होना चाहिए, है ना। पेट्रोल इंजन सीएनजी पे भी चल सकते हैं ना कि एलपीजी, एलपीजी तो खाना बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, सीएनजी। तो हमें अपने कार्बोरेटर को बदलना पड़ेगा, क्यों, देखो इसके पीछे भी एक रीजन है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, कार्बोरेटर जो होता है हमारा जो ऑयल होता है ना, पेट्रोल होता है और एयर तो उसको मिक्स करता है। 153 एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इज वन इन विच देयर आर, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, अ लिमिटेड हीट ट्रांसफर, गलत है यहीं से गलत हो गया, हीट ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता एडियाबेटिक में, नो हीट ट्रांसफर नो एनर्जी ट्रांसफर नो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर। तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा नो हीट ट्रांसफर, ठीक है, नो हीट ट्रांसफर और फॉर्म द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री। एनर्जी का मतलब तो वर्क भी हो सकता है ना, वर्क भी तो एक टाइप की एनर्जी है, वर्क ट्रांसफर हो सकता है पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। 153 का बी हो गया। 154 अ डिवाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड, वो डिवाइस बचाओ जो सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा देता हो विदाउट रेजिंग द प्रेशर, तो उसको बोलते हैं सुपर हीटर। आगे बढ़ते हैं 155 क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी ऑफ पार्सन टर्बाइन इज गिवन बाय, पार्सन टर्बाइन की एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा, ठीक है ये आंसर 155 का। 156 द डिले पीरियड इन अ पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखो जो डिले पीरियड होता है किसका, पेट्रोल इंजन का, वो होता है 0.002 सेकंड, कितना 0.00, कौन याद रखता है ये सब चीजें, पर क्या कर सकते हैं एसएससी जे ये आया है तो थोड़ा बहुत लिख लो कहीं याद हो जाए तो बढ़िया है। 157 ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज, देखो आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 100 होता है। द साइलेंसर ऑफ आईसी इंजन रिड्यूस नॉइस डिक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन एंड हैज नो इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी, तो आईसी इंजन में जो साइलेंसर होता है हमारी गाड़ियों में वो नॉइस को रिड्यूस करने के लिए होता है। आपने देखा होगा लोग बुलेट में साइलेंसर को चेंज कराते हैं नॉइस बढ़ाने के लिए, तो पहले से जो इनबिल्ट आते हैं वो कोशिश यही करते हैं आवाज कम हो, पर लोग अपने साइलेंसर को आवाज अच्छी करने के लिए बदल लेते हैं, है ना। साइलेंसर भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, महंगी महंगी कंपनियों के महंगे महंगे, लोग अपने सुपर बाइक्स में जो साइलेंसर आए हैं इनबिल्ट उनको चेंज करके और बड़ी बड़ी कंपनियों के साइलेंसर को लगवाते हैं कि उनकी आवाज बहुत अच्छी हो सके। द कंप्रेशन रेशियो फॉर प्रैक्टिकल डीजल इंजन यूजली लाइज इन द रेंज, देखो कंप्रेशन रेशियो पूछ रहा है डीजल इंजन का, तो 16 से 22 के बीच में लाई करती है।
फॉर अ स्ट्रोक फोर सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर ऑफ इवननेस ऑफ टॉर्क, इवननेस ऑफ टॉर्क के लिए जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो होता है 1 3 4 2, पहला वन सिलेंडर फायर होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर सेकेंड होगा, ठीक है। ड्रैग कॉफिशियंट बताओ इज डिफाइंड बाई, तो ड्रैग कॉफिशियंट का फॉर्मूला देखो, एफ डी बराबर क्या होता है 1/2 CD इंटू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हमें सी डी निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ डी अपॉन 0.5 इंटू रो ई पी नॉट का स्क्वायर, तो 161 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ो, द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरी मीटर इज कंपेरिजन टू द कन्वर्जेंट पोर्शन इज, देखो वेंचुरी मीटर कुछ टाइप का होता है, तो आप देख सकते हो जो कन्वर्जेंट पोर्शन है वो डाइवर्जेंट पोर्शन के कंपेरिजन में बहुत छोटा है ना। तो हमारा डाइवर्जेंट पोर्शन क्या है, मोर है एज कंपेयर टू द कंप्रेस, देखो कन्वर्जेंट पोर्शन, ठीक है। चलिए 163, फ्राउडे नंबर रिलेट्स टू द, तो आपको ये चीज ऐसे याद रखनी है, रफे वम वजप से, मतलब जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो विस्कस फोर्स से रिलेट करता है, जो फ्राउडे होता है वो ग्रेविटी से, जो आयलर होता है वो प्रेशर से, जो वेवर होता है वो सरफेस टेंशन से, और जो मैक होता है वो इलास्टिक फोर्स से। तो यहां से डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, इनर्सिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, फ्राउडे इनटू ग्रेविटी, ठीक है। ए 164, इन पिटॉट ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ द फ्लू एट अ पॉइंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाए है ना, तो उस पॉइंट को कहते हैं स्टैगनेशन पॉइंट, स्टैगनेशन पॉइंट जहां आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। 164 का ए। आगे बढ़ते हैं 165 की तरफ, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पाइप इज, हमारा कैसा है पैराबोला, इफ द फ्लो इज, अगर देखो वेलोसिटी प्रोफाइल ही हमारी पैराबोला है तो हमारा जो फ्लो होगा वो लेमिनार होगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली निकल आएगा, चार ऑफ पांच ऑप्शन में एक ही में लेमिनार है, 165 का बी। मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द मरकरी ड्यू टू, देखो मरकरी में कोहेजन फोर्सेस ज्यादा होते हैं इसलिए वो प्लेट को वेट नहीं कर पाती है, पर जो पानी होता है वो वेट कर देता है, क्यों, उसमें कोहेजन फोर्सेस की जगह अडहेजन ज्यादा होता है, तो 166 का बी। 167, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इन अ यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप विद द फोर्स इज, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है कायदे से वो क्या होता है 64/RE होता है, पर लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें क्या, इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा आप देख रहे होगे, तो यहाँ पर ये लोग फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट ना लेकर इसे फैनिंग फैक्टर लेते हैं, फैनिंग फैक्टर इज 4 times ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एफ डैश बराबर, ठीक है, सॉरी फैनिंग फैक्टर इज 4 times लेस, सॉरी 1/4 times, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश कितना हो जाएगा 64/4 इंटू आर ई, तो 16/RE आ जाएगा, तो डी आंसर यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, 167 का डी। बहुत खेलते हैं ये लोग बहुत गलत भाषा से, पर क्या करें मजबूरी है, हमें आंसर तो मार के ही आना है, अब जो आया है वो आया। ये सारे के सारे क्वेश्चन पता है जितने भी प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन आपके SSC JEE CIEL या छोटे KPSC PPSC UPSC है, UPPSC सॉरी UPSC तो बहुत बड़ी चीज हो गई, UPSC, ये सारे एग्जाम आरके जैन से लिए जाते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आपको पूरी की पूरी आरके जैन के A to Z क्वेश्चन, पूरी आरके जैन के मैकेनिकल के पूरे क्वेश्चन आपको अपनी ही यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरे सॉल्व कराऊंगा, आप वेट रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दी वो भी सब कुछ यहाँ पर कवर होगा, पर जुड़े रहना है, ठीक है। मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेशियो ऑफ द बकेट स्पीड टू द जेट स्पीड, तो आपको देखो याद होना चाहिए जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी के लिए BYE का रेशियो होता है वो होता है 0.5, पर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो हम जीरो क्लोज टू 0.46 को हिट कर देंगे। 169, नाउ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय यू बराबर, ये दिया हुआ है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, इन विच यू इज द वेलोसिटी है ना इन मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट, व्हाट इज द शियरिंग स्ट्रेस वैल्यू इज एट y बराबर 0.15 मीटर, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी 8 पॉइस की है तो आपको पता होना चाहिए टाउ बराबर होता है म्यू टाइम ड्यू बाई डी वाई, ठीक है। 8 पॉइस को हम लिख सकते हैं 0.8 पास्कल सेकंड,
अगर हम एम के एस में बदले तो 0.8 इंटू, अगर डू बाई डू बाई निकालो इसका तो आएगा 1 माइनस 2 वाई, वाई की जगह रख दो पॉइंट हमारा 1.5 है ना, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहाँ से आपकी डायरेक्टली टाउ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 170 की तरफ बढ़ते हैं। 170 क्या कह रहा है, अ हाइड्रोलिक टरबाइन रन्स एट 240 आरपीएम अंडर द हेड ऑफ 9 मीटर, व्हाट विल बी द स्पीड इन आरपीएम ऑफ द टरबाइन इफ द ऑपरेटिंग हेड इज 16 मीटर। ठीक है, तो आपका इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n अपॉन रूट h बराबर कांस्टेंट, तो 240 अपॉन रूट 9 बराबर x अपॉन रूट 16। ठीक है, 240 अपॉन 3 बराबर x अपॉन 4, इसको काटा 8, ये 4 से मल्टीप्लाई करा 320, तो x बराबर कितना आ गया 320, मार दिया ए ए ऐसे करके आंसर मार देने में मतलब करता था दोस्तों। ठीक है, चलो जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, जबरदस्त तरीके से सीख रहे हो, लगे रहोगे ना एक दिन सारा SSCJ का क्वेश्चन बना के आओगे। 171, द डिस्चार्ज ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 4 × 10^2 m/s थ्रू अ 80 mm डायमीटर पाइप इज, ये दे दिया है, फ्लो पूछ लिया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिस्चार्ज एक तो, और क्या है डी है, और क्या है म्यू है, ये तीन चीजें हमारे पास। ठीक है, ये तीन चीजें, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए रो वी डी बाई म्यू। ठीक है, तो म्यू बाई रो को लिख सकते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी व्यू, ये हो गया। वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम क्यू इंटू डी अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू म्यू, मतलब क्यू बाई ए लिख दिया, डी से डी कट गया। अब क्यू फोर क्यू अपॉन पाई डी म्यू को वैल्यू रखो, इन जब तीनों की वैल्यू रखोगे आप सबकी वैल्यू, मतलब क्यू की वैल्यू तो दी गई है, ठीक है, इन सारे की वैल्यू दी गई है, पहले से दी गई है, गिवन है, पूरी वैल्यूज गिवन है, ये दिया है क्यू, ये दिया है म्यू, ये दिया है डी, तीनों रखो वैल्यू निकालो, वैल्यू आएगी अराउंड आपकी आएगी 400। और हमको पता है, हमको पता है अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 होता है, लेस देन 2000 होता है तो क्या होता है, क्या होता है, फ्लो लेमिनार होता है। ठीक है, 172, द वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ मॉडल डैम वाज मेजर्ड टू बी 1 m/s एंड द करस्पोंडिंग प्रोटोटाइप वेलोसिटी फॉर अ लीनियर स्केल इज 25^1 इन मीटर पर सेकंड। तो अब हमें बताना है रिलेशन, तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है v मॉडल अपॉन v प्रोटोटाइप बराबर अंडर रूट l मॉडल अपॉन l प्रोटोटाइप। तो हमें क्या दिया है, हमें मॉडल दिया है स्पीड 1 अपॉन vp बराबर रूट 25:1, तो vp बराबर 5, सी आंसर 172 का डायरेक्टली सी आंसर हिट कर दोगे आप लोग विदाउट थिंकिंग अ पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो, प्रेशर फोर्स ऑन द 15 सेंटीमीटर डायमीटर हेड लाइट ऑफ एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 0.25 m/s इज, ठीक है, हमें डी दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी दी गई है, डी है हमारे पास और हमारे पास है वेलोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होगा एफ पी बराबर 1/2 cd इंटू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स, CD नहीं दिया है तो इसको 1 मान लेंगे, रो की वैल्यू ए, ऑटोमोबाइल है तो हवा में चल रहा, मतलब जमीन पे चल रहा होगा तो एयर इसे हिट करेगी 1.2, एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमें दी गई है इनटू 1/2, जब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.8 न्यूटन। ठीक है, 173 का बी आंसर हो गया। 174, अ पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 floats in a mercury of specific gravity 13.6, what fraction of its volume is under mercury? ठीक है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दी गई है? 7 दी गई है। 7 तो लिखो, रो जो मेटल है इनटू वॉल्यूम ऑफ द मेटल इनटू द ग्रेविटी इक्वल होगा रो ऑफ द मरकरी के, मरकरी इनटू द वॉल्यूम इन द मरकरी एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी से ग्रेविटी कट गया, इसकी वैल्यू 7 हो गई, वॉल्यूम ऑफ द वीएम हो गया, ये हो गया 13.6, ये हो गया वी मरकरी, हो गया वॉल्यूम इन मरकरी, है ना। तो यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी एम होगा हमारा, वी मरकरी अपॉन वी एम होगा हमारा 7/13.6, जिसकी वैल्यू होगी 0.515, सी ऑप्शन। आगे बढ़ो, अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्रिक्शन हेड लॉस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ अ विस्कस फ्लूड थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी विद अ वेलोसिटी वी एंड पाइप फैनिंग फैक्टर एफ। फैनिंग फैक्टर पूछ लिया, तो आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g d होता है फॉर्मूला, किसका, हेड लॉस का, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, फैनिंग फैक्टर निकालना है, तो ये एफ है, ठीक है। तो एफ को हम लिखेंगे 2g d, है ना। पहले तो इन्होंने सही बताओ ना, आपको गलत पूछा है, यहाँ पर फैनिंग फैक्टर आप पूछ ही नहीं सकते, ये गलत है ना, यहाँ फैनिंग फैक्टर ही गलत है, यहाँ पर फैनिंग फैक्टर की जगह हेड लॉस, सही बताऊँ आपको, यहाँ पर है हेड लॉस, क्योंकि फैनिंग फैक्टर तो इन्होंने खुद दे दिया, देखो ठीक है, इन्होंने पूछा हेड लॉस, फ्रिक्शन हेड लॉस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ एल वी स्क्वायर अपन 2g d, कौन से ऑप्शन में आंसर ये मैच कर रहा है, ये देखो ए ऑप्शन में मैच कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो ए होगा। आ गया, द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड रिस्पेक्टिवली एट अ डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो अ कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज, ठीक है। प्रेशर दोनों में बताना है, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रेशर का रेशियो होता है वो हाइट का रेशियो होता है ना। तो डायरेक्टली हो जाएगा 1/4, मतलब P1/P2 बराबर H1/H2, तो P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5/2, 5×20, 1/4, 177। यूजिंग ब्लॉसियस इक्वेशन द फ्रिक्शन फोर्स फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप वेरीज एज, तो आपको पता होना चाहिए आर ई की पावर -0.25। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, तो इसका डायरेक्टली आंसर होता है N√Q/h^3/4, आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी। इजी क्वेश्चन है, खटखट बनाओ। प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट्स वेयर द सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड डी इज द डायमीटर ऑफ बबल, तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट पूछ रहा है, ठीक है, पी बराबर 4σyd, डायरेक्ट आंसर होता है बिना सोचे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर वायर इज एल एंड हाइट एच, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वेयर इज एच, अच्छा ये H1 है। फ्लो रेट ओवर द नॉच इज क्यू इज, क्यू की नॉच की क्यू मतलब क्यू का वैल्यू पूछी है, तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा 2y3 cd l/√2g h − h1/3/2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी आपका, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, डायरेक्ट रटे होने चाहिए आपको। 181, द कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी ऑफ ऑरिफिस वेरीज विद, देखो कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी है ना वो वेरी करता है, बेवर नंबर के साथ गलत है, मैक के साथ गलत है, रेनॉल्ड के साथ वेरी करता है, फ्राउडे गलत है। अ हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो आपको डायरेक्टली हाइड्रोमीटर का यूज पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जानने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। 183, इन फ्लो थ्रू अ पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है तो ये किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए पहले पूछा है, पाइप के लिए पूछा है, पाइप के लिए पूछा है, तो ये अगर पाइप के लिए पूछा है तो ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पहले भी मैं करा चुका हूँ 2011 में, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था SSJEE वाले में। 184, लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन इंप्लाइज इट इज, लो स्पेसिफिक स्पीड कौन सी टर्बाइन की होती है, सबसे कम लो स्पेसिफिक स्पीड होती है इंपल्स टर्बाइन की, तो 184 का सी। 185, फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाय, अगर फ्लो ऑफ वाटर अगर 3 मीटर इन डायमीटर का कैन बी मेजर्ड बाय, ठीक है, तो ऑरिफिस प्लेट के थ्रू। 186, इन अ पिटॉट ट्यूब एट द स्टैग्नेशन पॉइंट, अभी बताया वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है,
है ना, या क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, जितना भी वेलोसिटी हेड है वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी कंप्लीटली जीरो, तो डी ऑल वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर हेड। 187, नेवियर स्टोक इक्वेशन आर एसोसिएटेड विथ, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन किस पे डिपेंड करती है, विस्कस फ्लो। 188, द वॉटर हैमर प्रेशर इन अ पाइप कैन बी रिड्यूस्ड बाई, मतलब वाटर हैमर प्रेशर कैसे रिड्यूस किया जा सकता है ना, तो यूजिंग पाइप ऑफ ग्रेटर डायमीटर, गलत है, यूजिंग अ मोर इलास्टिक पाइप, बिल्कुल सही लिखा है, यूजिंग अ मोर इलास्टिक पाइप, जितना ज्यादा इलास्टिक पाइप होगा उतना ज्यादा वाटर हैमर इफेक्ट कम होगा, यूजिंग पाइप ऑफ ग्रेटर वॉल थिकनेस, गलत है, इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, गलत है। व्हेन अ फ्लूड इज इन मोशन द प्रेशर एट अ पॉइंट इज इन सेम इन ऑल द डायरेक्शन द फ्लूड इज, देखो क्या है, जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में सेम है, तो दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूड। 190, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सी। 191, द एबिलिटी ऑफ द टूल मटेरियल इज टू रजिस्ट द शॉक और इम्पैक्ट फोर्स इज नोन एज, ठीक है, अगर एबिलिटी हमें टूल मटेरियल की जानने टू रजिस्ट द शॉक और इम्पैक्ट फोर्सेस, तो हमें कौन सा होगा, टफनेस, टफनेस वाली प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। 192, द टूल मटेरियल विच हैज हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस, सिरेमिक, सीमेंटेड कार्बाइड, ये सीमेंटेड कार्बाइड लिखा हुआ है, कार्बन स्टील एंड मीडियम अलॉय स्टील, तो सबसे ज्यादा हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस सीमेंटेड कार्बाइड का होता है। 193, टू इंप्रूव सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग द फॉलोइंग एडिटिव, एडिटिव इज यूज्ड, कौन से एडिटिव का यूज करना चाहिए, ठीक है, मोल्डिंग सेंट में, तो आपको पता होना चाहिए हमें रेजिन्स का यूज सबसे ज्यादा करना चाहिए, रेजिन्स। द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज, देखो बाइंडिंग मटेरियल इन सीमेंटेड कार्बाइड कौन सा होता है, हमें होता है कोबाल्ट, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का, गैस वेल्डिंग गलत है, गैस आर्क वेल्डिंग का है, थर्मेट वेल्डिंग गलत है, आर्क वेल्डिंग गलत है, फोर्ज वेल्डिंग। 195 का डी, द शेप एंड साइज ऑफ अ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो जो शेप और साइज होता है सैंड ग्रेन का वो कौन सी प्रॉपर्टी को वो करता है, अफेक्ट करता है, तो ये पोरोसिटी या परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है, वैसे ये स्ट्रेंथ को भी कर सकता है। अगला देखो 197, ठीक है, क्या लिखा हुआ, सीरल्स आर एडेड टू द माउल्डिंग, सीरल्स आर एडेड टू द माउल्डिंग सेंट टू इम्प्रूव द फॉलोइंग, किस लिए यूज किया जाता है, पोरोसिटी बढ़ाने के लिए गलत है, सीरल्स को यूज किया जाता है ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हॉट गलत है, एज हार्डनेस गलत है। 198, प्लास्टिक टॉयज आर यूजली प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग सेल माउल्डिंग, ग्रीन सैंड माउल्डिंग, प्लास्टर माउल्डिंग और इंजेक्शन माउल्डिंग, तो हम लोग इंजेक्शन माउल्डिंग से बनाते हैं प्लास्टिक टॉयज, ठीक है, और किस चीज से बना सकते हैं, स्लस कास्टिंग से भी बना सकते हैं, स्लस से भी बनते हैं, स्लस कास्टिंग। जनरली यूज्ड फ्लू गैस इन गैस वेल्डिंग, फ्लू गैस, गैस वेल्डिंग में कौन सी यूज होती है, तो सबको पता होना चाहिए C2H2 + ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो दिया नहीं है तो सी ऑप्शन डायरेक्ट मार दो, C2H2, ये दिया है N2, ये दिया है CO, ये दिया है हीलियम। स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैटेगरी में आती है, आपको ये पूरी कैटेगरीज याद होनी चाहिए, ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है पूरे 100 क्वेश्चन, और मजा आएगा, आशा करता हूँ आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठोक के जाइएगा, लाइक बना ठोके बना तो जाइएगा मत, है ना, और बने रहना है सिद्धार्थ पाठशाला में, और देखते रहना है, सीखते रहना है, और बताते रहिए, सजेशंस देते रहिए आपने, ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।